स्वागत किया जाए हमारे दूल्हे राजा का. इट्स अ वार्म वेलकम टू मिस्टर रजनी. हम स्वागत करते हैं. Yeah.
please. Once again, a big round of applause. इनकी जो बहनें हैं थोड़ा स्टेज पर आएंगे, साकेत, सौरभ और भी जितने इनके भाई हैं, इनकी बहनें हैं, आई वॉन्ट ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑन स्टेज, रजनी जी के सारे भाई बहन ऑन स्टेज, और इनके प्यारे प्यारे नहरे नहरे जो दोस्त है ना, मुझे ना हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, हर एक फ्रेंड बहुत जरूरी होता है। तो अच्छा, फ्रेंड्स बहुत सारे, काफी फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। हाँ तो प्लीज स्टेज पर आ जाइए प्लीज, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड नैरे नैरे प्यारे प्यारे दोस्त सारे स्टेज पर। अरे हाँ, अच्छा तो पहले भाई और बहन आ जाए। अच्छा एक ग्रुप फोटो हो जाए, मैं चाहूंगी कि एक प्यारा सा ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों को भी मैं बुलाऊंगी कुछ देर बाद, अभी फिलहाल इनके भाई और इनकी बहनें ऑन द स्टेज विद हिम, और ये छोटे दूल्हे भी मुस्कुराते हुए शर्माते हुए, क्या वह राधा पसंद आ गई क्या, वहाँ वो उधर देख रहे बार बार, वहाँ हमारे कृष्ण राधा है, लग रहा उनको राधा पसंद आ गई है, वो सोच रहे भाई। अच्छा क्या लगे आपके, रजनीश जी आपके क्या लगे, मामा 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 को, मामा आज किसको लेके जाएंगे घर, किसको लेके जाएंगे, साथ में मामी को भी लेके जाएंगे, ये सोच रहा है मामा भाई मामी को लेके जाएंगे, मामा तो बड़े फायदे में है, मुझे फ्री फंड का दूल्हा बना दिया है, इतने 20-25 साल पहले से इसकी प्रैक्टिस हो गई है। दुल्हन को देखो, कह दिए दुल्हन को। अच्छा आपकी भी दुल्हन आई है, पहले कह रहा हाँ फिर बोल रही नहीं, क्या पता आई हो, बहुत साल बाद पता चले कि हाँ वही थी यही थी। अच्छा भाई हमारे छोटे शैवाले के लिए ना प्लीज, इनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, एकदम चंदा मामा के चांद से प्यारे प्यारे भांजे। तो भाई आज आपके जो प्यारे प्यारे भाई हैं, स्वीट ब्रदर, अच्छा स्वीट ब्रदर बोलूं या तीखा ब्रदर बोलूं, क्या एज अ ब्रदर, एज अ ब्रदर, एज अ भाई इनका रोल कैसा रहता है, स्वीट या तीता? स्वीट ब्रदर। अच्छा स्वीट एकदम 50, यहाँ से आवाज आ रही है 50-50। दोस्तों वो क्या है ना, असली रूप जो है ना, देखिए हम घर वाले जो है ना, हम घर वालों के सामने कभी कभी रिजर्व रहते हैं, असली रूप जो है कभी कभी दोस्तों के सामने ही पता चलता है, जो छुपी हुई जो बदमाशियां शरारतें ढेर सारा सीक्रेट्स है कि नहीं। तो ये पहले मुस्कुरा के सोच रहे, अच्छा मुद्दा को छुपा के रखना पड़ेगा दोस्तों से, क्या पता कौन सा सीक्रेट कब बता दे। स्वीट है, स्वीट है एकदम, कभी डांटता नहीं है, कभी कभी नहीं डांटा, कभी नहीं चिल्लाया, कितना घूस दे के आए हो सबको ये बताओ, कितना घूस, कुछ नहीं, कुछ घूस नहीं दे के आए, कितना चॉकलेट दिए इन्होंने बता दो, सच सच बता दो, हाँ ट्रेनिंग सॉलिड है, ट्रेनिंग सॉलिड है। अच्छा जी नई नई लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, तो नई जिंदगी की शुरुआत में, नई जिंदगी की शुरुआत में इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी टिप क्या होना चाहिए? आपकी शादी हो गई पर ये बताइए, नहीं हुई है, अच्छा तो इंतजार कर रहे हैं कब होने वाली है? नेक्स्ट ईयर। नहीं मैं आऊंगी एंकरिंग करने आऊंगी, दोबारा जरूर आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी, एंकरिंग करने आऊंगी। तो इनके लिए स्पेशल बेस्ट विशेष कुछ कहना चाहेंगे आज नई नई लाइफ की जर्नी के लिए? ढेर सारी खुशी रहे, हैप्पी रहे, और हमेशा हैप्पी रहे, और हमेशा मुस्कुराती रहे, और हाय तो मुस्कुरा रहे हैं बिल्कुल। अच्छा इनकी कोई ऐसी आदत या ऐसा कोई इनका मोमेंट जो आज यहाँ स्टेज पे इन्हें देख के आप सबको याद आ रहा है, कोई ऐसा लम्हा
जैसे कि क्योंकि ये जो शादी होता है ना, ये एक ऐसा मोमेंट होता है, ये एक ऐसा मतलब लम्हा होता है जिसके लिए सबको इंतजार होता है। और जब अपने भाई को दूल्हा बन के जब बहने या भाई देख रहे होंगे तो उन्हें जिंदगी के कई सारे स्पेशल मोमेंट्स याद आ रहे होंगे, तो इनमें से कुछ मोमेंट जो आपको याद आ रहे शेयर करना चाहते हैं। यस यस, मेरे भाई का खुजली डांस। कौन सा वाला डांस? अच्छा, फनी डांस। फनी? अच्छा, वो डांस बहुत करते हैं। बिल्कुल। तो क्या, अच्छा क्या लगता क्या है शादी में, शादी के बाद कौन किसको ज्यादा नचाने वाला है? कौन किसको नचाएंगे? भैया भाभी। भैया भाभी, भैया भाभी का नचाने वाले हैं या भैया नाचने वाले हैं, क्या लगता है? भैया नचाएंगे। भैया नचाएंगे। भैया सैया बन के अपनी दुल्हनिया को बहुत नचाने वाले हैं। अरे भाई प्लीज एक बार फिर से तालियां हो जाए और पूरे परिवार के लिए एक अच्छा सा ग्रुप फोटो हो जाए प्लीज। लेट्स हैव अ ग्रुप। आ जाइए, शर्माइए मत प्लीज, यार की शादी है और सारे यारों का स्टेज में होना तो जरूरी है। एक एक प्यारे से फोटो। आ जाइए, आ जाइए प्लीज, कम। कहाँ है, आ जाइए। ठीक है, सबसे नॉटी कौन है? हाँ, सबसे नॉटी कौन है? अच्छा, नॉटी की लिस्ट बहुत लंबी है, इसका मतलब बहुत लंबी है। ये इनको टान रहे, वो उनको टान रहे, वो उधर से बोले, ये किसी और का नाम बोल रहे, ऐसे हो रहा है, लिस्ट बहुत लंबी है। पूछने के लिए प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं, ये ले लीजिए, मेरी माइक ले लीजिए। क्या पूछना चाहते हैं? किन से पूछना चाहते हैं? इनके दोस्तों से? नहीं नहीं, रजनी जी से कोई क्वेश्चन है, फ्रेंड से क्वेश्चन है। इजाजत? हाँ इजाजत है भाई, इजाजत। भाई साहब आप लोग कितने साल पुराने दोस्त हैं? अब अलग अलग बताना पड़ेगा, 5 साल 10 साल अलग अलग है, ये टीम बटोरी। आंसर आंसर फ्रॉम माय साइड, अच्छा दोस्ती दोस्त नहीं नहीं इट्स नॉट लाइक नई पुरानी, कितने साल से दोस्ती है। नहीं, आप अगर रात तक रुक रहे हैं तो हम लोग बता रहे हैं, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, हम 5 साल, ये 6 साल, ये 7 साल और 99 बाहर में। राधे परमात्मा का
स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय आ रही है दूल्हे राजा के लिए, और हम जिनके लिए आए हैं उनके लिए तालियां नहीं बजाएंगे तो किनके लिए बजाएंगे? आज हम रजनीश और मुंडा के लिए तो आए हैं, तो भाई तालियां हम सब बजाएंगे एक बार, कैसे हो क्लास, बिकॉज़ वी आर हियर फॉर देम लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनके लिए आए हैं, जिस जोड़े के लिए आए हैं, उस जोड़े को आशीर्वाद नहीं देंगे तो फिर किसे दें? तालियां होती रहे।
एवरीवन, दिस इज मोहित लालवानी. उम्मीद करता हूं शोर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए स्टेज पर. जो है ना हमारे कपल है स्टेज पर, जोरदार तालियां. एंड कैन वी हियर इट फॉर देम? हिप 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 हिप. जोड़ी हो तो कैसी हो, जोड़ी हो तो कैसी हो, रजनीश मुग्धा जैसी हो, जोड़ी हो तो कैसी हो. ओह हाँ, एक बार फिर से तालियां हो जाए इनके लिए. वंडरफुल, इतनी हमारी जोड़ी यहाँ पे मौजूद है. और आई नो हम सब बहुत ही बेताब हैं इनकी वरमाला के लिए. कुछ ही देर में हम वरमाला की ओर बढ़ेंगे. तो अभी तिलक की रस्म है, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तिलक की थाली और जो रस्म करने वाले हैं परिवार के जो सदस्य आने वाले हैं स्टेज पर, वो स्टेज पर आ जाइए तिलक की रस्म के लिए, ताकि हम तिलक की रस्म की ओर बढ़े. मुस्कान के साथ ताजा हो जाएंगे, जो कि इनके बदौलत हो रही है. थैंक यू सो मच फॉर कैप्चरिंग सच ब्यूटीफुल मोमेंट. तो मुग्धा जी, डरवर लग रहा है? डरवर लग रहा है नहीं? हाँ, धीरे से बोल दीजिए, मैं सुन लूंगी. किसी किसको नहीं सुनेगा, मुझे बोल दीजिए कान में. थोड़ा सा नर्वसनेस है. अरे भाई, मुग्धा जी के भी भाई और बहनें थोड़ा स्टेज पर आएंगे अपने जीजू और जीजी से मिलने. इनके भी भाई और बहन दोनों थोड़ा स्टेज पर आए, अपने जीजू और जीजी से थोड़ा मिले. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आराम से, स्लोली 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 स्लोली. नहीं, क्या नहीं, शुभकामनाएं दे रहे हैं अपने जीजू और जीजी को. थोड़ा कह दीजिए माइक पे दो शब्द. कौन आगे भविष्य के लिए, भगवान करे ऐसे खुशी दोनों हंसमुख बने रहे. आप दोनों को ये शादी बहुत बहुत मुबारक हो. शादी मुबारक. अबे शादी तो मुबारक. खूबसूरत जोड़े के लिए ये खूबसूरत संगीत. Thank you.
पहले ये रस्म हो जाए उसका, जैसे आदेश हुआ है।
वो सबसे सबसे ब्यूटीफुल लम्हा था कि नहीं? So, एक बार फिर से जोरदार थोड़ा शोर मुझे सुनने मिलेगा, थोड़ा जोरदार तालियां हो जाएगी फॉर रजनीश एंड मुद्दा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल और इस लम्हे को मैं थोड़ा सा और खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी दोनों के पेरेंट्स से, अगर वो यहाँ मौजूद है तो प्लीज एक बार थोड़ा स्टेज पर आएंगे, प्लीज दोनों के माता पिता से, प्लीज रजनीश जी के मम्मी और पापा और साथ ही साथ मुग्धा जी के मम्मी और पापा दोनों एक बार स्टेज पर प्लीज आए। और माता श्री को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि दोनों स्टेज पर आ जाए। दोनों के माता पिता को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, दोनों के पेरेंट्स को कि दोनों स्टेज पर आए। रजनीश जी के पिताजी हैं, पिताश्री अगर हैं तो प्लीज एक बार स्टेज पर पधारिए, प्लीज सर आ जाइए। भाई तालियां हो जाएंगी, प्लीज प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा मौसी आई है, भाई मौसी भी माँ का रूप ही होती है, यस ऑफ कोर्स। तो एक बार तालियां होंगे, ये अब लग रहा ना असली परिवार, पूरा परिवार कंप्लीट फैमिली अब लग रही है, क्योंकि शादी जो है दो नाम का नहीं, दो दिल का नहीं, दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है, एंड दिस इज द परिवार मिलन, क्योंकि पूरा परिवार यहाँ है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, दोनों समधी अगर थोड़ा आगे आए, ये दोनों समधी एक दूसरे का हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे के गले लगेंगे, थोड़ा तालियां होंगी और फोटो थोड़ा होगी, और दोनों समधने भी थोड़ा आगे आइए स्टेज की ओर, आइए आगे, हाँ मिलिए, गला मिलिए, हाथ मिलाइए, और इस मिलन को थोड़ा कैद किया जाए हमारे इस कैमरे में। साथ ही म्यूजिक मैं प्ले करूंगी जिसमें मैं चाहती हूँ सब पूरा परिवार एक साथ एक बार छोटा सा प्यार सा डांस हो जाए, क्यों हो जाए, हाँ या ना, एक बार आप बताइए, आप सब बताइए, ठीक है? तो दोनों समधी और हमारे दूल्हा दुल्हन प्लीज साथ में एक डांस हो जाए। कैन वी प्लीज हैव द म्यूजिक प्लीज। Hey,
सब डिमांड कर रहे हैं सर, मैं नहीं, इसे सब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप सब? मैं नहीं बोल रही हूँ, बाकी सब बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चाह रही हूँ कि दोनों खुश रहे, हम लोगों को भी खुश रखे, दोनों फैमिली को। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश हो रही है। बहुत ही प्यारा मौका है, तो चलिए थैंक यू सो मच, एक बार ताली आ जाए इनके लिए दोबारा। थैंक यू सो मच, प्लीज प्लीज बी सीटेड, आराम से बैठिए। मैं चाहूंगी कि आप सभी वो चाहिए फोटोज खींचनी है, बधाइयां देनी है, शुभकामनाएं देनी है, आशीर्वाद देना है, स्टेज पर वन बाय वन आते रहिए, फोटोज खींचते रहिए। फोटो सेशन इज ऑन नाउ, हमारे कैमरामैन तैयार है। ओके, सो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी जोड़ी से कि वो आराम से विराजमान हो जाए, प्लीज बी सीटेड, बैठ जाइए और फोटो सेशन शुरू करते हैं। तो रजनीश जी के परिवार वाले वन बाय वन आइए, फोटोज खींचिए इनके साथ, और मुक्ता जी के परिवार वाले भी वन बाय वन एक एक करके आते रहिए। फोटो सेशन हमने शुरू कर दिया, आराम से बैठ जाइए आप दोनों। और जब तक फोटो सेशन चल रहा है, जिन्हें जिन्हें बधाइयाँ देनी है, भेंट करनी है, स्टेज पे आते रहेंगे एक एक करके। अरे इतना दूर दूर क्यों बैठे, फेविकोल जोड़ के तरह बैठे ना, थोड़ा चुंबक मैग्नेट थोड़ा सा। अच्छा, तो इस सफर को जारी रखते हैं, शाम को जारी रखते हैं, फोटोज खींचते रहिए, आते रहिए स्टेज पे, भाई शर्माइए मत, आते रहिए स्टेज पे, प्लीज कीप कमिंग ऑन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन, वन बाय वन एवरीवन स्टेज पर आइए, इनको आशीर्वाद दीजिए, इनसे मिलिए, इनसे बातें कीजिए, इनके साथ ढेर सारी फोटोज खींचिए, और शाम को खूबसूरत बनाने के लिए हम कुछ गानों के सफर में भी चलते हैं, जिसके लिए मैं सूरज जी और मैरी जी दोनों को एक बार बुलाना चाहूंगी कि कुछ दोनों थोड़ा सिंगल्स परफॉर्म करें, साथ में फिर कुछ डुएट भी परफॉर्म करें अपनी ट्यूनिंग के हिसाब से। बोल रहे अभी नहीं, अकेले में गाएंगे, अभी हम लोग सुनेंगे मैरी जी का गाना। अच्छा, मैरी जी दुल्हन के लिए स्पेशली गाना चाहती हैं, दूल्हा दुल्हन के लिए, दोनों के लिए ही है, लेकिन स्पेशली ये गाना दुल्हन के लिए, प्लीज सुनिए। Yeah.
कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अगर हो पाया तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो गुस्ताखी माफ पहले से, ठीक है? गुस्ताखी माफ पहले से, अगर नहीं हो पाया तो, वरना कोशिश जारी है। Oh,
एक स्पेशल परफॉर्मेंस है। हमारे परफॉर्मर्स को मैं एक बार स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। स्टेज अभी भी थोड़ा खाली रखी है, अभी दो परफॉर्मेंस। यूं भी तो इबादत होती है, वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, वो शराबी क्या शराबी ऐसे जो तबा करे, वो शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गुम ना हो, लुट ना समझो शराबी पास जिसके हम ना हो। अगर अच्छी लगी परफॉर्मेंस तो प्लीज और ज़्यादा तालियां हो जाए। थैंक यू।
से होती है। तो भाई तालियां आपकी बहुत ही धमाकेदार थी, प्लस हमारे कपल को विशिंग यू ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी आशीर्वाद, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप दोनों को नई जिंदगी के लिए, नई खुशियों के साथ। हैव अ ब्राइट स्टार्ट, और दोनों परिवारों को भी ढेर सारी विशेष।